फ्रेंड्स, आप सबका द वायरल मीडिया में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ग्रेजुएटी, और अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम किया है तो आपको ग्रेजुएटी का अमाउंट कितना मिलेगा। तो इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको मैक्सिमम जो 7th पे के हिसाब से ग्रेजुएटी मिलेगी वो 20 लाख रुपीज़ मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो 15 × लास्ट ड्रॉन सैलरी × नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस / 26। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होती है दोस्तों, अगर आप आपकी सैलरी स्लिप देखोगे उसमें जो कंपोनेंट रहते हैं बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस, ये दोनों कंपोनेंट की अगर आप एडिशन करोगे तो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी रहेगी। अगर किसी कंपनी में आपको डियरनेस अलाउंस नहीं मिलता तो आपके सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक सैलरी रहेगी वो आपकी वो लास्ट ड्रॉन सैलरी रहेगी। तो इसी हिसाब से अब यहाँ पे 3 एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, अगर किसी मिस्टर एक्स ने किसी कंपनी में 22 साल काम किया है तो अगर उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी कि बेसिक प्लस डीए अगर 60,000 है तो उसको जो ग्रेजुएटी मिलेगी वो 7,61,539 रुपीज़ मिलेगी। दूसरे केस में देखते, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मिस्टर वाई, उसने गवर्नमेंट में 33 ईयर्स की सर्विस की है, उसकी लास्ट ऑन सैलरी अगर 90,000 है बेसिक प्लस डी है तो उसको जो कैलकुलेशन के हिसाब से 15 × 90,000 × 33 / 26, इस हिसाब से जो अमाउंट मिलेगा वो 17,13,461 रुपीज़ मिलेगा। तीसरी कैलकुलेशन यहाँ पे देखेंगे, कोई जो बंदा है जो 25 इयर्स में सर्विस जॉब को लगा और अगर 30-35 इयर्स के अभी बीच में है और उसने 6 से 7 साल किसी कंपनी में काम किया है और उसकी सैलरी बेसिक सैलरी 15 से 20 हज़ार के बीच में रेंज करती है, तो इस कैलकुलेशन में 20,000 लिया है तो 20,000 अगर उसकी सैलरी है बेसिक सैलरी तो वहाँ पर उसकी जो ग्रेजुएटी मिलेगी उसको 7 साल के बाद वो 80,770 रुपीज़ मिलेगी। इस हिसाब से आप आपकी सैलरी स्लिप देख के ग्रेजुएटी के अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जो ग्रेजुएटी के अमाउंट है वो नॉन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के हिसाब से वहाँ पे टैक्सेबल है और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।